और चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 90 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,70,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान, तो वहीं 48 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,25,000 के पार, तो वहीं अब तक 13,699 लोगों की मौत, 2,37,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बड़ा ग्राफ, आज 67 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए, कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 14,997, कोरोना से अब तक 349 लोगों ने गवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप, पिछले 24 घंटे में 55 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि, तो एक पुलिसकर्मी की मौत हुई, तो वहीं महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,103। यूपी के कानपुर स्थित राजकीय बाल संरक्षण गृह में कोरोना की दस्तक, 57 लड़कियों में कोरोना की पुष्टि, अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। दिल्ली हाईकोर्ट से गंगाराम अस्पताल को बड़ी राहत, एफआईआर की कार्रवाई पर लगी रोक, कोविड-19 जांच से संबंधित नियम के उल्लंघन का है आरोप। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों का बड़ा कदम, ओआईसी ने बुलाई आपातकालीन बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कश्मीर के मौजूदा हालातों पर चर्चा, पाकिस्तान लंबे समय से कर रहा था इस बैठक की मांग। एलएसी पर जारी तनाव को कम करने की कोशिश, आज फिर हुई भारत चीन के बीच में कमांडर स्तर की बातचीत, मोल्दो में चुशुल के सामने हुई ये बैठक। भारत और चीन के बीच में तनाव बरकरार, गलवान घाटी के पास हजारों सैनिक तैनात, दोनों ओर से जवानों ने संभाला मोर्चा, तो वही कमांडर स्तर पर बातचीत में सभी देशों के लोग आए। नेपाल और भारत के बीच एक और विवाद हुआ खड़ा, नेपाल ने बिहार के चंपारण स्थित एक बांध की मरम्मत पर लगाई रोक, 500 मीटर भूखंड पर ठोका दावा। रूस के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रूस की जीत के जश्न में होंगे शामिल, तो वहीं विक्ट्री परेड में भी लेंगे हिस्सा, वहीं चीन के प्रतिनिधियों से नहीं करेंगे मुलाकात। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार को दिखाया आईना, पीएम मोदी पर हमलावर हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, भारत चीन विवाद पर दिया बयान, भ्रामक प्रचार से बचने की दी नसीहत। जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सीजेआई ने 3 जजों की बेंच गठित की, स्थायी दुकानों को तुरंत हटाने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, राजौरी और पुंछ जिले में की फायरिंग, नौशहरा में सेना का एक जवान शहीद, तो एक जवान हुआ घायल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने तोड़ी आतंकवाद की कमर, 4 महीने में ढेर किए अलग अलग संगठनों के 4 टॉप कमांडर, सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवाद जैसे संगठनों को बनाया निशाना। जनता पर पड़ी महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी, 16वें दिन भी पेट्रोल में 35 पैसे का इजाफा हुआ, तो डीजल हुआ 57 पैसे महंगा। यूपी के एटा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज गाजर गिरने से मामले में बड़ी कार्रवाई, सीएम ने लिया पूरे मामले का संज्ञान, तो वहीं मलावन पुलिस ने पीएनसी मैनेजर समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के डोईवाला कोतवाली क्षेत्र में स्थित जंगल में अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गृह कलेश बताया जा रहा है आत्महत्या का कारण, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेआम 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की, घटना के बाद बदमाश हुए फरार, पुलिस जुटी मामले की जांच में। यूपी के एटा में निर्माणाधीन पुल में 4 स्लैब गिरने से कार सवार 2 लोगों की मौत का मामला, पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर समेत 4 लोगों को लिया हिरासत। कोविड-19 को लेकर राजस्थान में जागरूकता अभियान का आगाज, 30 जून तक चलेगा देश में पहला व्यापक जागरूकता अभियान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई वर्चुअल लॉन्चिंग। कोविड-19 को लेकर गहलोत सरकार सतर्क, सीएम अशोक गहलोत ने जागरूकता अभियान की लॉन्चिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी 11,500 ग्राम पंचायतें, तो वही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह भी साथ रहे मौजूद। जालौर के चितलवाना में जागरूकता रैली का आयोजन, उपखंड अधिकारी मगासी राम जांगे ने उपखंड कार्यालय से किया रवाना, कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक। प्रदेश भर में जन जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू, चिड़ावा में सड़कों पर उतरे अधिकारी, कहा सतर्कता से ही कोरोना का बचाव। कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू, अलवर प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की ली मीटिंग, आमजन की जागरूकता के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना महामारी जागरूकता अभियान के साथ शुरू, सरकार के साथ साथ संगठन भी आए आगे, झुंझुनू जिला उपभोक्ता समिति ने शुरू किया अभियान, एसडीएम जेपी गौड़ ने अभियान का किया शुभारंभ, चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा सहित अन्य लोग भी रहे मौजूद। भीलवाड़ा के माजलगढ़ में विशेष जागरूकता अभियान का आगाज, विधायक गोपाल खंडेलवाल ने किया शुभारंभ, लोगों को दी कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव की जानकारी।
अजमेर के ब्यावर में एक ही परिवार के चार सदस्य कोरोना संक्रमित, कोरोना पॉजिटिवों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, संक्रमित इलाके में दवा का करवाया गया। लालसोट के इंदावा गांव में कोरोना की दस्तक, गुजरात से आया रेलवे ट्रैकमैन कोरोना संक्रमित, कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू। झालावाड़ के गंगथार में हुई 12वीं कक्षा का पेपर, स्टूडेंट्स को मास्क लगाने के बाद दिया परीक्षा केंद्र में प्रवेश, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। भरतपुर में जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली, जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों को कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। अजमेर के नसीराबाद में जन जागृति अभियान का शुभारंभ, पुलिस ने निकाली जन जागरूकता रैली, कोरोना से बचाव का दिया संदेश। अजमेर में 34 रूटों पर बसों का संचालन शुरू, यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बसों में दिया जा रहा है प्रवेश, मास्क और सैनिटाइजर किया गया अनिवार्य। कोरोना के कारण स्थगित हुई बोर्ड की परीक्षाएं जारी, उदयपुर जिले की सेवारी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, भूगोल और व्यवसाय अध्ययन विज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन। श्री डूंगरगढ़ के गांव मिंगसरिया में शोक की लहर, एक ही परिवार से निकली दो शव यात्रा, पहले चाचा और फिर भतीजे को दिया कंधा, पंचतत्व में विलीन हुए जवान के पार्थिव देह, दोस्तों को बचाने के चक्कर में गवाई थी। पोखरण में महंत के प्रयास लाए रंग, 10 साल के बाद परिवार से मिला लालू, शराबी पिता से तंग आकर घर छोड़ाया था लालू। बारा में बदमाशों ने की व्यापारी से सरेआम मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, व्यापार संघ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चौक के रिवाई में बजरी खनन परिवहन की रोकथाम के लिए एसआईटी के दावे फेल, दिन दहाड़े हो रहा बनासमासी नदी से अवैध खनन, ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष। अजमेर में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क, अंबेडकर सर्कल पर चलाया सघन तलाशी अभियान, कई वाहनों की हुई चेकिंग। श्रीविजयनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाया विशेष अभियान, कार से 52 किलो डोडा पोस्त बरामद। जयपुर के हरमाड़ा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक और धारदार हथियार बरामद। जयपुर के मुहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद, एटीएम में रखा कैश बॉक्स काट हुए फरार, एटीएम में करीब 20 लाख रुपए की नकदी थी, पुलिस लूटी बदमाशों की चाबी। झालावाड़ के खानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, सारोला कस्बे में दिनदहाड़े बाइक चोरी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर के मानसरोवर में अनियंत्रित होकर पलटा, नमक के कट्टों से भरा टैंकर, चालक के नींद आने के कारण हुआ हादसा, घटना में चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू के सूरजगढ़ में क्यूआरटी डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई, 5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। राजसमंद में 2 दिन पूर्व घर से लापता अधेड़ का मिला शव, इलाके में मची सनसनी, कर्ज के चलते की आत्महत्या, पुलिस जुटी मामले की जांच में। देवली में भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, एसडीएम को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। पावटा के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या का समाधान, सामाजिक कार्यकर्ता ने विधायक को समस्या से करवाया था अवगत, विधायक ने टैंकरों से पेयजल व्यवस्था की शुरू। श्रीगंगानगर के घटसाना में माकपा ने एसबीआई शाखा प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन, किसानों को अभी तक नहीं मिला फसल बीमा का क्लेम, 29 जून को सैकड़ों किसान बैंक का करेंगे घिराव। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में 8 राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत, ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 भागने में रहे सफल, इलाके में मचा हड़कंप। नसीराबाद में विद्युत कर्मी को राजनीतिक दबाव के चलते किया निलंबित, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत चोरी का किया था खुलासा, आक्रोशित कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर के घटसाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, आम आदमी के साथ हो रहा है कुठाराघात। नागौर के लाडू में पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, विधायक को भी समस्या से करवाया ज्ञापन। घड़साना के मुख्य बाजार में ट्रैफिक जाम की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना, पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बांसवाड़ा में लोधा जागीर गांव में ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन, ग्रामीणों ने की राशन डीलर को हटाने की मांग, 4 महीने से राशन सामग्री नहीं देने का लगाया आरोप। झुंझुनू के किरोड़ क्षेत्र में टिड्डी दल के आने से किसानों में मचा हड़कंप, किसानों ने अपने स्तर पर टिड्डी दल को भगाया, कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद ने लिया खेतों का जायजा। बीकानेर के खाजुवाला में टिड्डियों ने बरपाया कहर, खेतों में खड़ी फसलों को किया चौपट, किसानों ने किया थाली और पीपे बजाकर टिड्डियों को भगाने का जतन। जयपुर के दूधों में भामाशाहों का सराहनीय कार्य, भामाशाह आशकरण जसकरण मुकीम बीकानेर ने सीएचसी में भेज के 2 एयर कंडीशनर, सीएचसी प्रशासन और मरीजों को मिलेगी राहत।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।